गुड मॉर्निंग राधे राधे कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ मैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में एंड आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी से बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक रेसिपी इसको हम बहुत ही मतलब कई नामों से लोग जानते हैं पितौड़ भी कहते हैं रिक्वेस्ट भी बोलते हैं इसको तो हमारे यहाँ इसको पतोड़ा बोला जाता है या फिर पकौड़ा बोला जाता है तो दो नामों से हम इसे जानते हैं पतोड़ा और एक पकोड़ा और आपके यहां इसको किस नाम से जानते हैं वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना एंड चलिए अभी शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने पत्तों को वॉश करके रख लिया है और थोड़ा सा जो भी उसमें से पानी निकलेगा उनको मैंने निचड़ने के लिए एक साइड में रख दिया है ले लिया है यहाँ पे थोड़ा सा हींग और ये ले लूंगी अमचूर है और बाकी जो बेसिक मसाले रहते हैं वो ले लिया है लहसुन प्याज ले लिया है और बहुत सारी जो बहनें हैं ना वो मिनी ब्लॉग पे काफी ज्यादा कमेंट कमेंट करती हैं कि आप सावन में लहसुन प्याज क्यों खाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सावन में आप व्रत कर रहे हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे लेकिन जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम नहीं खाते हैं बाकी के पूरे सावन हम लहसुन प्याज खा लेते हैं और ऐसे कुछ कहा भी नहीं जाता है जिसके यहाँ पे पूरे व्रत रखे जाते हैं वो लोग नहीं खाते हैं या फिर जो शुरू से ही नहीं खाते हैं सावन में वो भी नहीं खाते हैं तो मेरे ससुराल में तो खाया जाता है शुरू से ही तो वैसे ही मैं भी खाते हैं हम भी खाते हैं एंड यहाँ पर मैंने बेसन में डाल दिया है थोड़ा सा हींग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हींग और अजवाइन दो चीज़ें उसके बाद थोड़ा सा अमचूर डाला है ब्लैक सॉल्ट और बाइट सोल्ट दोनों डालूंगी और मसाले डाल दिए हैं बेसिक इसमें जो भी हम सब्जी में डालते हैं वो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और लहसुन प्याज अदरक जीरा है इसमें थोड़ा पिसा हुआ थोड़ी सी अजवाइन भी है अगर आप बेसन में अजवाइन नहीं डाल रहे हैं तो आप मसाले में डाल के पीस सकते हो और हरा मिर्च है तो मिर्च थोड़ी तीखी रखना है इसमें बहुत टेस्टी लगते हैं तीखी और बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि जो पकोड़ा है ये गले में खराश करता है तो आज कुछ ऐसा यूनिक तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बिल्कुल भी आपके गले में ये खराश नहीं करेगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है एंड ले लिया है यहाँ पर कुकर और उसमें रख दिए हैं ये चम्मच आप कांटा भी सकते हैं फोक जिसे बोलते हैं हम लोग और मेरे पास सिर्फ चम्मच ही है या फिर आप एक लकड़ी के जो वो आते हैं ना स्टिक स्टीक स्टिक आती है वो भी आप रख सकते हो उसमें बट वो मेरे पास थे नहीं तो मैंने चम्मच ही रख लिए हैं और अब ले लिया है ये मैंने पात्र इसको पात्र पत्ते अरबी के पत्ते बहुत नामों से इसको भी जानते हैं तो सबके यहाँ अलग अलग नामों से इस चीज़ को जाना जाता है एंड इस पर अभी जो मैंने जो घोल बनाया है बेसन का और ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए जितना अच्छा थिक रहेगा ना ज्यादा पतला हो उतना ही अच्छा है। आपका जो पतोड़ा है ना वो चिपकेगा एंड इस पर देखिए मैंने अच्छे से हाथों से लगा रही हूं और जहां मैंने काउंटर टॉप पे पत्ता रखा हुआ है उसको जगह को पहले अच्छे से क्लीन कर लिया है उसके बाद ही रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कोई बर्तन है नहीं जिसको रख के मैं इस पर इसको लगा पाऊँ और तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं होता है नहीं तो ये जो पितो पतौड़ा है ना आपका फट जाएगा और अच्छा भी नहीं बनेगा तो जितना बड़ा पत्ता रहेगा उतना ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं ये तो कच्चे पत्ते हैं और बहुत ही बढ़िया हैं तो इनको देखिए अच्छे से मैं लपेट दे रही हूँ और सेम वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं ना स्प्रिंग रोल पे अच्छे से मैं का घोल लगाते हैं तो बस वैसे ही लगाना है और ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि अरबी के पत्ते कम पड़ गए हैं और बेसन आपने इतना ज़्यादा भर दिया है कि खाने वाले को लग रहा है कि सिर्फ बेसन का ही पकौड़ा खा रहा हूँ और पत्ते का टेस्ट ही नहीं आ रहा है तो इसीलिए लिमिट से लगाना जरूरी है और मैं इसे बांधूंगी नहीं देखिए बिना बांधे ही इसको उबालूंगी अभी मैं इसको साइड में रख लूँगी और ऐसे ही एक एक करके सारे जितने भी पत्ते हैं उनको मैं अच्छे से फोल्ड करते करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए और जितने भी छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना उनको इनके अंदर ही अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं और बहुत ही बढ़िया बड़ी, बढ़िया बन के तैयार हो जाते हैं तो जो फटे हुए पत्ते होते हैं उनको अंदर की साइड फोल्ड फोल्ड कर दिए हैं मैंने और साइड से भी फोल्ड कर दिया है बहुत ईजी है इसको बनाना एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं आपको तो आप इस तरह से ज़रूर बनाकर खाइएगा इस बारिश के मौसम में ये गरम गरम क्रिस्पी मज़ेदार वाले पकोड़े एंड देखिए चार बनके तैयार हो गए हैं आधा किलो पत्ते मैंने मंगवाए थे हस्बैंड से और इनको तो इतने पसंद हैं कि ये मुझे भी नहीं है इतने पसंद जितना पसंद इनको है खाना छोड़ देते हैं पत्तों के जब पतोड़े मैं बना लेती हूँ तो और मैंने इसमें डेढ़ गिलास पानी डाला है मीडियम जो हमारे किचन में गिलास होता है आधा किलो पत्ते हैं और डेढ़ गिलास पानी डाला है पूरा और इसको अभी रख दूँगी ऊपर से देखिए अच्छे से इसको रख देंगे और बिल्कुल भी मैंने बांधे नहीं हैं खुले ही हैं क्योंकि जो घोल होता है ना हमारा वो अच्छे से चिपका देता है पतोड़ों को और लगा लूँगी इस पर एक सी टी लगाऊंगी हाई फ्लेम पे उसके बाद इसको बिल्कुल स्लो कर दूँगी और तीन सीटी लगाऊंगी उसके बाद और यहाँ हमारे नन्नी गोपाल खेल रहे थे तो इनके फ़ोन में अभी नेट हो गया है ख़त्म और जिद कर रहे हैं फ़ोन को फेंक के मार रहे हैं कि मम्मा इसको चलाओ इसमें डाटा ख़त्म हो गया है ऐसा क्यों हो रहा है और टी भी चल रही है तो टी भी लगातार चलती है और फ़ोन भी कभी कभी देख लेते हैं तो फोन तो अभी ज्यादा नहीं देती हूँ मैं जब से आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आते रहे हैं काफी कि आप ध्रुव को ज्यादा फोन मत दिया करिए वैसे ये बहुत फोन देखता था और इसी चक्कर में हम लोगों ने टी भी लगाया था तो यहां टी में चल रहा था म्यूजिक यानी शाम का टाइम था तो भजन चल रहे थे और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आप सभी को तो मैं यहाँ बता रही थी कि लाइट चली गई थी और मैंने चार सीटी लगा के कुकर को खोल दिया है उसके बाद जो पतोड़े हैं उनको हल्का ठंडा करके रख दिया था फ्रिज में फ्रिज में रखा रखने से क्या होगा जो पतोड़े हैं उनकी लेयर बहुत ही अच्छे से जम जाएगी ठंडी होकर और काटते टाइम पे आपके जो पतोड़े हैं ना वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे तो चलिए आइए दिखाते हैं कैसे मैंने काटे आ, कैसे मैंने रखे हैं इनको तो ये देखिए मैंने फ्रिज में इसको लगभग दस मिनट के लिए रखा है और ये काफ़ी ठंडे हो गए हैं तो चलिए अभी इन्हें काट के और अच्छे से तल लेते हैं मैंने यहाँ तवा लिया है और तवे पे मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है तो ये मोस्टली सरसों ऑयल में ही बनाई जाती है ये पकौड़े की रेसिपी और कोई और आप तेल में बनाओगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा खाने में जितना सरसों तेल में खाने में मज़ा आता है एंड जो गले में खराश होती है ना इसको खाते टाइम पे वो क्यों होती है वो भी मैं बताऊंगी आपको उससे पहले मैंने ऑयल में डाल दिया है थोड़ा सा हींग और बस इसको हाफ फ्राई कर लूँगी तबे पे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे करूँगी नहीं तो ये जल जाएगा पूरा और बस इसको धीमे धीमे पलट पलट के मैं इसको भूनती जाऊंगी और ये बहुत ही आसानी से भुन जाते हैं आप चाहो तो कढ़ाई में डाल के एक साथ भी इनको फ्राई कर सकते हो या इसको डीप फ्राई कर सकते हो या फिर इसको फिर से आप बेसन में भिगो के और पकोड़े भी बना सकते हो तो ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर बन के तैयार हुई है ना एकदम बेसन अंदर से अच्छे से कुक हो गया है और यही इसकी पहचान होती है आप चार सीटी लगाओगे कुकर को मीडियम फ्लेम पर तो आपका जो पतोड़ा है ना वो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा एंड अब मैं बताती हूँ कि ये खराश क्यों करता है अगर जो आपका पतोड़े का पत्ता है वो गलत खेत का होगा तब भी वो खराश करेगा या फिर बनाते टाइम पे वो थोड़ा सा कच्चा रह गया है आपने जल्दी से बर्तन को उघाड़ दिया है तब भी वो आपका खराश करेगा तो अरबी एक ऐसी चीज होती है कि बिल्कुल भी इसको बनाते टाइम पर उघाड़ा नहीं जाता है तो मोस्टली ज्यादातर आप इसका इसको पकाने में ना कुकर का इस्तेमाल कीजिए फिर ये आपको बिल्कुल भी गले में खराश नहीं करेगा एंड ये हो गए हैं बनके तैयार तो मैंने इनको किया है डीप फ्राई थोड़ा सा और तबे पे ही किया है ज़्यादा नहीं और ये था हमारा रात का डिनर डिनर थाली तो मैंने बनाया था पराठा एंड कैचअप के साथ हम लोगों ने इसको इन्जॉय किया था देखिए बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था ये पतोड़ा तो आप लोग इसे क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताइएगा एंड ये वाली जो रेसिपी है ये खाकर बनाकर ज़रूर खाइएगा बहुत बहुत टेस्टी बने थे अब मैं मिल रही हूँ आप सभी को अगली नेक्स्ट मॉर्निंग में एंड गुड मॉर्निंग गाइज आप सभी को प्यारी सी राधे राधे एंड हर हर महादेव और सुबह का ही टाइम है घर के सारे काम निपटा के बस नहा के आई आ ही रही हूँ और तब तक ये भी उठ गए हैं दोनों कैमरे की नज़र में हमेशा की तरह आने से बच रहे हैं और आप सब बहुत ज़्यादा पूछते हो कि बाबू क्यों ऐसा करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है कैमरे के सामने वैसे अगर फोटो क्लिक करूं तो काफ़ी करवा लेगा लेकिन कैमरे में जब ब्लॉक शूट होता है तब नहीं होता है सुबह के सारे काम हो गए हैं और यहाँ चाय के साथ हम लोगों ने वही पतोड़ों को गर्म कर लिया था तो बस आज का जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रहेगा वो यही रहेगा और मुझे तो लग रहा है लंच में भी आज हस्बैंड यही खाने वाले हैं तो बाकी के मैंने ढक के रख दिए हैं और थोड़े बहुत ले आई थी चाय के साथ क्योंकि जब तक ये पतोड़े चाय के साथ ना खाओ तब तक मज़ा ही नहीं आएगा और ये जो ट्रिप है मैं बता रही हूँ ना आपको कि गले में खराश नहीं करेगा ये बहुत ज़रूरी है बनाते टाइम पर आप कभी भी बर्तन को उघाड़ना मत बार बार जो उगाड़ के हम देख लेते हैं कि पका है या नहीं पका है अगर आप ऐसा करोगे तो मोस्टली आपके गले में खराश करेगा ही करेगा और नाश्ता हो गया था उसके बाद फिर यहाँ पे टाइम था ये आ, लंच का तो लंच में आज मैं बस हल्का फुल्का ये दाल बना रही थी और मूंग की दाल है मूंग की दाल और मसूर की दाल है मिक्स वाली तो बस इसको ही हल्का सा यहाँ तड़का लगा दिया है सरसों के तेल में और जो मैंने लंच बनाया था हस्बैंड ने लंच नहीं खाया लंच में वही पतोड़े खाए थे चाय के साथ वो भी दोपहर के बाद और ये जो दाल चावल हैं ये हमने खाए थे शाम को इवनिंग में तो सारा खाना ही बच गया था पतोड़ों की वजह से इतने ज़्यादा इनको पसंद आए थे तो फिलहाल चलिए आज का ब्लॉग भी मैं एंड करती हूँ यहीं पर मिलूँगी आप सभी से कल के बहुत ही डिफरेंट से ब्लॉग के साथ हो सकता है कल को मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आ जाए और उसी ब्लॉग में मैं आपके सवाल के जवाब भी दूंगी थोड़े बहुत जितने मैंने नोट किए हैं तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग करती हूँ एंड यहीं पे आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी मेरे पतोड़ों की पितोड़ की एंड पात्र की तो बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं आप किस नाम से जानते हो मुझे बताइएगा जरूर एंड कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बाय बाय टाटा अपना ध्यान रखिए खुश रहिए मस्त रहिए